रहा है। तो ये जाता किस ठेकेदार को है बाबूजी? से वीडियो बनाओ, जुगत से बनाओ वीडियो। ठेकेदार किस ठेकेदार को जाता है? जी किस ठेकेदार को पैसा जाता है? इसका ये ठेकेदार को किसी को नहीं जाता। अच्छा, इसको हम लोग खाते हैं। आप लोग खाते हैं? रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं। नगर निगम इसमें कुछ नहीं करता? नगर निगम कुछ नहीं करता। नगर निगम का कोई रोल नहीं? बारे में तो मैं दिखाता हूँ। आ जाओ, चलो वीडियो बनाओ। आ जाओ, चलो चलो चलो। ये देखो, ये कह रहे हैं कि 50 साल पहले नगर निगम बंद मर चुका है। मैं हूँ विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव के। ये देखो, ये देखो, ये हकीकत है गुड़गांव की। ये गुड़गांव की हकीकत है। इधर देखो, ये पैसे खत्म हुए पड़े हैं, ये पैसे खत्म हुए पड़े हैं, ये पैसे टूटे पड़े हैं, है जी। ये देखो, इसकी लो, ये पहले खत्म हुई पड़ी है। निगम का हाथ दिखा रहा हूँ मैं। मैंने ये क्यों बोला, ये देखो प्रेशर रूम टूटा पड़ा। निगम हो तो निगम कोई अफसर है रे, कोई कमीशन वगैरह उसे भेजो मेरे पास। ये ऊपर जो टूटा पड़ा है, कब से बना पड़ा है? छत गिरेगी तो कब से बना हुआ है बाबू जी? ये इसको कम से कम है 20-25 साल। 25 साल? हाँ, 25 साल में इसको देखभाल करने के नहीं आते। निगम की गाड़ी आएगी, सीआरपी आएगी, पिकअप वगैरह आएगा, आएंगे देखेंगे, फैल लेंगे क्या हो रहा है, ये हो रहा, वे हो रहा। अरे इसमें कुछ करो, इसमें छत टपक के इधर आओ, फिर और दिखाता हूँ। वीडियो बनाओ, ढंग से बनाओ, मैं बनवाता हूँ। कैसे कोई माइक लाल जन्म से ये वीडियो बनाओ। ये छत में अगर पानी आ रहा हो, इसमें महिला मंडल का रूम है, इसमें महिला मंडल डूब मर गई किसी दिन, छत गिर गई ऊपर रात के आते हैं 8 बजे, होटल चलता है जब दरबार होटल, ठीक है। इसकी पूरी के शोषण करो। ये तो खैर हुए पानी का, इसका कोई बनाने की जरूरत नहीं है। जो मैं बनवाता हूँ वे बनाओ। तो अब ये बताओ, इसको सुप्रीम कोर्ट में डालना? नहीं नहीं, अब आप ये बताओ। हाँ, इस समय अब ये बताओ, सुनो वीडियो चालू रखो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, जी जी, गौर से बनाओ वीडियो। हाँ, अब ये देखो, हमें यहाँ के कार्यकर्ता, सफाई कर्मचारी, तो नगर निगम की तरफ से है, अपनी तरफ से है, ठेकेदार की तरफ से। अच्छा, ये मतलब ये ठेकेदार को चला गया है? हाँ, ये ऐसे ऐसे कितने ठेकेदार के पास? आपको लिए जो शब्द बोला है, और निगम को मरे 50 साल रह गए, ठेकेदार आबाद है, ठेकेदार सदामन है, वो इसीलिए बोला था। निगम रह गया कि जो हर चीज ठेके में दे रही है, तो ठेकेदार भी इस पे सफाई उफाई काम नहीं करता। ठेकेदार आता 6 महीने में, साल में देखने के 6 महीना हो गए, सामान तक नहीं मिल रहा मेरे को। यहाँ पे सादा पानी से धोता हूँ। कहाँ रहेगी निगम? अफसर कहाँ रह गए आप? तो ये मोदी जी के स्वच्छता अभियान के पलीता लग गया है। मोदी हमारा बड़ा, मोदी कहाँ है? नहीं है कहाँ मोदी? मोदी मोदी किल्ला रहे, मोदी के कहते हैं शौचालय बनवा दिए, बनवा दिया ये शौचालय, ये पार्ट 1 के लोग सबकी कोठी ऐसी। ये देखो इसमें क्या, ये प्लास्टर नहीं हो सकता? हो सकता है, ये छत यहाँ लिखा भी तो है स्वच्छ भारत अभियान का। ये छत नहीं गिर सकती, इसके अंदर दबके मरेगा, क्लेम कितना होगा ये बताओ मुझे। नहीं, एक छोटी सी बात का जवाब दो। हाँ, ये जो स्वच्छ भारत लिखा, ये कब लिखा गया था? ये जब जिस टाइम बन के खड़ा होया उस समय पे। बना कब था ये? ये बने उसको होगी कम से कम 15-20 साल तो आराम से। 20 साल हो गया आराम से, तो मतलब मोदी जी के आने से पहले बन गया था, तब तो स्वच्छ भारत चल रहा था। मोदी कल लाया, ये मोदी से पहले बन के खड़ा है। तो स्वच्छ भारत तो बाद में चला। स्वच्छ भारत कोई भी लिख दो, आप लिख दो, हम लिख दें उसको, मतलब बीच में मोदी राज में तो चला जाएगा, जब भी मोदी का नाम लिख दो। तो अब तो सांसद नए आए हैं यहाँ पर, सांसद तो बहुत पुराने हमारे राव साहब हैं। अरे गुरुजी, सांसद कितने पुराने आ रहे हैं यहाँ पे, जो मैं कह रहा हूँ निगम के आदमी को कंटूडेट पूरा 1 साल हो गया, 1 साल से बंदा कोई देखने के नहीं आ रहा, कोई नहीं, अधिकारी भी नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आता यहाँ पे, कोई नेता नहीं आया, कोई नेता नेता के नेता के क्या मतलब है नेता ने आने का? ये तो गंदा पड़ा, कचरा पड़ा, ये कैसे पड़ा? ये डाला जी, ये इन्हें डाला पार्क वाले ने, ये पार्क की गंदगी है सारी। हाँ, ये पार्क की गंदगी है, ये डाला लक्कर को कर डाला इधर। अच्छा, हाँ, और ये जो टूटे फूटे हैं पुराने रहे होंगे, ये क्या थी, ये जो शौचालय के टूटे हैं पुराने टूटे रहे। चलिए, वो गंद देखो, दर देखो, कितनी देर सफाई करें, रात में लोग जो कूड़ा के लोग सबसे बुरे टेररिस्ट हैं यहाँ पे, लोग कहलाते हैं, निगम बार बार ऐड करती है कूड़ा मत गेरो, गलत कूड़ा मत गेरो, उस पर जुर्माना हो सकता है, लेकिन कोई नहीं डरता जुर्माने से।
तो कोई कौन कंपनी उठाती है कूड़ा यहाँ से? कूड़े ये निगम की कंपनी उठाती है, और कौन उठाती है? निगम ने किराए पे कंपनी दे रखी कॉन्ट्रैक्ट? पता नहीं कि किराए पे दे रखी नहीं दे, इतना पता नहीं है। चलो आप तो सफाई कर्मी हैं, अनजान आदमी इतना नहीं जानते। देखो आप तो सफाई कर्मी हो, अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, आप तो सफाई कर्मी हो यहाँ, सफाई करते हो, सफाई कर्मचारी का ये भी तो सुनो ढंग से। सफाई कर्मचारी यहाँ पे रखा गया, उसकी कम से कम सैलरी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम वेज तो होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट पे भी मिनिमम वेज तो होना चाहिए जो सरकार तय करती है। हाँ कितना होना चाहिए आप, मैं आपके मुखारपण से सुनना चाहता हूँ, आपके हिसाब से कितना तय है मिनिमम? नहीं आप ये बताओ जो कम से कम सरकारी रेट ठेकेदारी रेट में कितना सैलरी होना चाहिए? कितना तय है यहाँ 24 घंटे का? कितना हमको यहाँ पे 5,000 मिलता है 24 घंटे का, मतलब 24 घंटे 365 दिन? हाँ जी। छुट्टी एक भी दिन नहीं? कोई छुट्टी नहीं है, छुट्टी कर दी तो उसमें तो पैसे काट देंगे। मतलब अगर आपने छुट्टी की तो 5,000 में कट गए? कट गए, फिर क्या मिलेगा हमको? 3,000 रुपये 4,000 रुपये। तो होली दीपावली पे मतलब कटे? होली दिवाली चले गए तो होली दिवाली ये कह रहे सारे यही मर जाओ, होली दिवाली मत जाओ। मतलब कल मेरी बेटी जवान गुजरी है, मजाक मत समझो ना, ससुराल में जवान बेटी गुजर गई, मैंने 2 छुट्टी कर ली उनकी, 15 ना का बता रहा था ठेकेदार। अरे उल्लू के पट्टे, मैंने 15 ना का कहाँ कर ली? ये सुख शनिवार के हम इतवार अस्पताल लेके गए, इतवार के बेटी खत्म होगी, इतवार के दाग तक सोमवार की ड्यूटी क्यों नहीं करी है जो मुझे 13 दिन में आना चाहिए यहाँ पे? ऐसा कोई माइक लाल ये शेर मिलेगा जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ? बड़ी बात है इनकी बात, हमको कोई वर्दी मिल रही है यहाँ पे? कोई वर्दी कोई जूता निगम का? इसलिए बोला निगम को मरे 50 साल हो गए, निगम होती हमको वर्दी देती, मैं कच्चा अपने इनमें खड़ा हूँ, क्यों खड़ा हूँ? कोई जूता ना, कोई वर्दी ना, कोई तेल नहीं, कोई साबुन नहीं, क्या सुविधा? ठेकेदार ले रहा हमारे कम से कम 20,000 टन का, हमको दे रहा 5,000 टन का। मतलब सरकार ठेकेदारी है एक तरीके से? सरकार पूरी ठेके में, सब ठेके पे, सब ठेके में चल रहा है। तो खट्टर साहब तो इतना काम करके चले गए, हटा दिए गए दूसरे? खट्टर को क्यों हटा दिया? खट्टर जो इतना बढ़िया काम कर रहा है तो खट्टर को क्यों हटाया गया, आप मुझे बताइए सवाल? सवाल क्यों हटा? सवाल तुम्हें एक जो अच्छे आदमी जो काम कर रहा है, आप अच्छे काम कर रहे हो और मैं अपनी कंपनी से लेकर क्यों भगाऊं आपको, ये बताओ? मतलब आप आपके हिसाब से तो कट्टर साहब काम ही नहीं कर रहे थे? नहीं मेरे हिसाब से कट्टर बहुत बढ़िया काम कर रहा था, लेकिन उसको हटाया क्यों गया ये वजह जानना चाहता हूँ, आपके पास ये वजह है? नहीं वजह तो हम भी पूछना चाह रहे हैं, वजह हम भी ढूंढ रहे हैं। आप मुझे अच्छे लग रहे हो बस, मैं तो ये जानता हूँ भाई हमारे साहब अच्छे, अब लेकिन आपको हटा दिया जाए दुख नहीं पहुँचेगा हमारे? पहुँचेगा, वो हरियाणा का पूरा वो CM है, इतना बड़ा आदमी एक बल में हटाना कोई हंसी खेल है? ये हंसी खेल काम नहीं है, ये बहुत बड़े काम होते हैं, बहुत बड़े हुए होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनकी बात। अब मेरे बारे में कोई सुविधा नहीं, इसमें लिखेगा नहीं लिखेगा? इनकी बात अगर सत्ता सियासत के लोग सुन रहे हों, हाँ ध्यान दे रहे हों, तो उनको शायद सर माननी चाहिए कि यह शौचालय जो यह साथी हैं अपनी पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठे हुए मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ। और एक बाप की बेटी गुजरने के बाद, और डॉक्टर की वजह से मरी है मेरी बेटी, ये भी रिकॉर्ड करो। अच्छा डॉक्टर की वजह से जो बेटी एक दिन के लिए ठीक होकर चली जाती, जो बेटी वेंटिलेटर पे 3 दिन राखी, 4th दिन फिर ऑक्सीजन पे ले आए, और उसका 8 महीने का बच्चा था पेट में, 8 महीने के बच्चे पेट में होते हुए डॉक्टर ने कह लगा सस्ते में लेकर जाएगी ये, तो पैसे का कुआ खोदने के लिए ऑप्शन का प्लान बना दिया। हम कह रहे डॉक्टर साहब हम गरीब आदमी हैं, 1,00,000 रुपया तेरे पास जमा कर दिया, ये 1,00,000 रुपया जो हमने जमा करा ये हमने पेड़ों में तोड़ के नहीं करा, इन बेटिन के जेबर बेच के ला के हमने आपको जमा करा ये पूंजी, अब मैं पैसा कहाँ से लाऊँ? तुम ऑप्शन के लिए प्लान बना रहे हो, मैं पेट में तो तोड़ लाऊँ क्या? मेरा रहने का घर और मैं उसे बेचने के चक्कर में हुए नहीं बिक पा रहा। तो आपके लिए आयुष्मान योजना ये जो योजना चलती है? अरे सर जी आयुष्मान कार्ड था इस लड़की का बना हुआ, वे उसने कह दिया ये नहीं चलेगा, पलवल में वसूलपुर रोड पे नर्सिंग होम है, जिसने ऑप्शन कर दिया अपनी मर्जी से चलता ऑप्शन कर दिया, कोई पेट के अंदर कोई हथियार रह गया, इसमें सन फैला लड़की का मंगलवार के दिन ऑप्शन करा था, मंगल और बुध और वीरवार और शुक्र 5 दिन हो गए, 5 दिन के अंदर लड़की के अंदर स्पेशन फैल गया। मैं पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, जितने भी एक तो एक बड़ा अस्पताल है, डॉक्टर मुर्दे को भी 3 दिन मुर्दे को भी रखते हैं,
और वो अच्छी बिच्छी लड़की को डिस्चार्ज कर रहा था, ये कोई खास वजह है उसके अंदर। मैंने बोला डॉक्टर तेरे से कोई क्या नाम था नर्सिंग होम का? नर्सिंग होम का नाम मेरे याद नहीं है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। ये पलवल वसूलपुर रोड पर पड़ता है, इसमें कोई जात पड़ताल होगी। लड़की की हमाज कटी रखी हुई है, लड़की के सैंपल भर के, लड़की के जो क्या पोस्टमार्टम है के मधुमन गया हुआ। इस केस को टोटल लड़की को मरे ज्यादा से ज्यादा 15 दिन हुए हैं बस। अभी 15 दिन हुए? हाँ जी, अभी 15 दिन मरे हुए हैं। एक बाप बेटी के लिए रो रहा, उसको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई पुकार नहीं मिल रही है। नर्सिंग होम वाले ने बेटी शनिवार के दिन लेकर आ दी अपने अस्पताल से रात के 1 बजे, और 9 के लिए हम भेज दिए। 12,000 रुपया गाड़ी को किराया दिया हमने, उसने गाड़ी खुद ने भेजी 12,000 में, 12,000 गाड़ी को किराया दिया हमने। लल्लड़ गल्लड़ अस्पताल है 9 के अंदर, 9 के दौरे वहाँ ले गए लड़की को। वहाँ डॉक्टर ने करा लड़की पे एकदम सोजन आ गई तगड़ी, लड़की सूते ही 8 घंटे के अंदर लड़की ख़त्म होगी। जो मेरी हंसती खेलती बेटी चलेगी, उसकी एक बेटी है पहलौटी की, 3 साल की बच्चा, और जो डॉक्टर ने ऑपरेशन तले काढ़ी वे बच्चा अभी 8 महीने की अभी तक जिंदी है। वे बच्चा अभी तक जिंदा है, जिंदा। मेरे को कोई इंसाफ नहीं है, अच्छी बिच्छी मेरी बेटी जो डॉक्टर ने ख़त्म कर दी। ये बड़ी बात है। मैं सरकार, मैं एक छोटे मुद्दे को उठाने आया था। हाँ, ये 5 रुपए ले रहे थे, मुझे लगा कि नगर निगम का बोर्ड लगा है तो ये 5 रुपए क्यों ले रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस 5 रुपए से यहाँ की सरकार, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के नगर निगम, यहाँ के अधिकारी सबका नंगा चेहरा सामने आ जाएगा। ऐसे व्यक्ति जिसके लिए आयुष्मान योजना की कल्पना शायद मोदी सरकार ने की होगी, खट्टर सरकार की बड़ी बड़ी स्वास्थ्य योजनाएं होंगी, अब के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब जो खुद हैं तीमारदारी करेंगे हरियाणा की, तो इस पिता के साथ इनकी बच्ची के साथ हुई यह नाइंसाफी जिसमें उसने जान गंवा दी, इसकी देखभाल कौन करेगा? नंबर 2, क्या वाकई नगर निगम गुड़गांव का खत्म हो चुका है, दम तोड़ चुका है? अगर नहीं तो यहाँ आकर के कोई अधिकारी चुनाव से पहले क्या इस नगर निगम की पूरी परियोजना को सही कर देगा? ठेकेदार की सरकार है, हर जगह चलती है, यहाँ भी ठेकेदार ही सरकार चला रहा है, और ऐसे लोग 5,000 की चाकरी 24 घंटे 365 दिन यहीं रह के कर रहे हैं। जिस बाप को अपने बेटी के पूरे क्रियाकर्म में शामिल होने की छुट्टी ना मिले, उसकी भी तनख्वाह काट ली जाए, आखिर ऐसी सरकारों से हम उम्मीद कितनी और कब तक कर सकते हैं? देखते रहिए, जुड़े रहिए लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक।